नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हुए, जहां दीपावली मेले और प्रदर्शनी का आज 35वीं वाहिनी पीएससी में शुभारंभ किया गया। वहीं इस मेले का शुभारंभ यूपी के कार्यवाहक डीजीपी विजय कुमार और उनकी पत्नी जो वामा सारथी की अध्यक्ष अनुपमा कुमार ने किया। आपको बता दें कि लखनऊ के महानगर 35 बटालियन में लगे दीपावली मेले में 81 दुकानों को लगाया गया है। इस मेले में अलग अलग प्रदेश से आए लोगों ने अपनी अपनी दुकानों को सजाया है और इस मेले का शुभारंभ के दौरान पुलिस म्यूजिक और नृत्य के साथ की गई है। वहीं वामा सारथी के अध्यक्ष ने कहा कि इस मेले को लगाने का उद्देश्य यह है कि पुलिस कर्मियों और आम जनता के बीच एक मैसेज पहुंचेगा, जिसको देखते हुए पुलिस और आम जनमानस के बीच दूरी और जो भय है वो खत्म होगा। कानपुर, उसमें जितने भी जिले हैं, कन्नौज, फतेहगढ़, बहुत सारे जिले हैं, सबके उत्पादन, एक जिला एक उत्पादन उसको बुला के प्रोत्साहन देने के लिए उन कारीगरों को यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, ये हमारा उद्देश्य। लोगों से कुछ अपील करेंगे मैम, लोग यहाँ आए? बिल्कुल, लोगों से अपील है कि वो सब यहाँ पे आए और यहाँ पे जितने भी कारीगर, हमने ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किया है कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से जो भी कारीगर हैं, जो जिले के उत्पादन हैं, वो सब हमने एकत्रित करने की कोशिश की है और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे, जो शायद आपको लखनऊ में किसी भी महोत्सव में मिलने मुश्किल लग रहा है, वो मिलेगा नहीं, वो क्वालिटी बहुत अच्छी है। कब तक चलेगा मैम ये? चार तारीख अभी उद्घाटन हुआ है और 6 तारीख को 5 बजे समापन होगा, तो 4, 5, 6 और शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा। आप सब कृपा करके सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं और सहयोग करें हमारा। लखनऊ की पीएससी की 35 वाहिनी में आज दिवाली मेला प्रदर्शनी लगी है, जहां पर खुद पुलिस के मुखिया डीजीपी विजय कुमार अपनी पत्नी अनुपमा कुमार के साथ पहुंचे हुए हैं। यहां पर जो स्टॉल चारों तरफ आप देख रहे हैं, वो स्टॉल दीपावली के दौरान लगा हुआ है। यहां पर आप जो तस्वीर देख रहे होंगे, तस्वीरों में साफ तौर से देखेंगे डीजीपी साहब खुद यहां पर मौके पर मौजूद हैं और डीजीपी के साथ उनकी पत्नी भी आप देख रहे होंगे, जो वामा सारथी के अध्यक्ष हैं, वो यहां पर मौजूद हैं। वो पूरी तरीके से सारे स्टॉलों पर पहुँच रहे हैं। स्टॉलों पर पहुँचने के दौरान लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, किस तरह का पूरा इंतजाम किया गया है, कैसी सुविधाएं की गई हैं। कई जगहों की यहां पर दुकानें आई हुई हैं, क्योंकि यहां पर अगर दुकानों स्टॉलों की बात की जाए तो 81 स्टॉल लगे हुए हैं। डीजीपी साहब आपके सामने खुद मौजूद हैं, डीजीपी साहब आप देख रहे होंगे यहां पर मौके पे हैं और सर पूरी तरीके से यहां पर राउंडअप भी ले रहे हैं। अगर हम सर से बात करने की भी अगर कोशिश करेंगे, सर जिस तरीके से आज स्टॉल लगा हुआ है, स्टॉलों में कितनी दुकानें हैं, क्या कुछ प्रोग्राम को लेकर के मैसेज देने का काम किया गया? अब ये जो वेलफेयर सेंटर हैं, उन्हीं को रिवाइव किया जा रहा है, जो पहले पुलिस के वेलफेयर सेंटर्स थे, उन्हीं की परंपरा को रिवाइव किया जा रहा है। सर इस प्रोग्राम को लेकर क्या कुछ मैसेज रहेगा पुलिस के प्रति? अब ये वेलफेयर सेंटर जो महिलाओं, जो बच्चियां हैं, बात उनके कल्याण के लिए चलाए जाते थे, उसी के लिए ये व्यवस्था है। जिस तरीके से यहाँ पर तस्वीरों में देखा गया कि डीजीपी साहब खुद यहाँ पर लगातार लोगों के बीच पहुँचते हुए वेलफेयर को लेकर के पूरा जो प्रोग्राम है उसके प्रति पूरा मैसेज देने का काम कर रहे हैं, यानी कि ये कह सकते हैं कि पुलिस के प्रति जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम को लेकर के पूरे स्टॉल लगाए गए हैं और यहाँ पर जो खरीदारी होगी वो भी पुलिस विभाग पूरी तरीके से कर सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम टीवी, लखनऊ। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर औरैया पहुंचे, जहां बंजारा समाज के एक सम्मेलन में वो शामिल हुए, जहां उन्होंने सपा बसपा पर जमकर निशाना साधा। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि ये गठबंधन नहीं, ये ठग बंधन है, ये जनता को लूटने वाले लोग हैं जो विपक्ष में इकट्ठा है। कांग्रेस की सरकार थी, सपा की सरकार थी, 4 बार वही बसपा की भी सरकार रही है, लंबे समय तक लोग शासन किया, अगर ये लोग हक दिए होते तो आज कांग्रेस के 2 MLA और बसपा के 1 MLA ना होते। इसी तरह तमाम ऐसी जातियां हैं, बंजारा, बहेलिया, अर्कवंशी है, कश्यप है, पाल है, प्रजापति है, नाई है, गुण है, कुम्हार है, लोहार है, जुल्हा है, दुनिया अंसारी है, तमाम ऐसी जातियां हैं जो अपने अधिकार से वंचित है। अब वो इस समय व्याकुल भारत है, जैसे किसी कवि ने लिखा है ना कि खोज खोज अधियार भगावा, ऐसे सब अकुलाइल बा, पता न पावा दियनी के पियनी कर सार लुकाई। जो इनके हक को लूटने वाले लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस।
खबर गोंडा से है, जहां केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान अपने एक दिवसीय दौरे पर गोंडा पहुंचे, जहां राज्यपाल एक निजी विद्यालय के वार्षिकोत्सव में शामिल हुए। विद्यालय में पहुंचे केरल के महामहिम ने राष्ट्रगान और दीप प्रज्वलन के बाद वार्षिकोत्सव का शुभारंभ किया। वही उनका स्वागत स्थानीय जनप्रतिनिधियों और भाजपा के पदाधिकारियों ने किया और विद्यालय के वार्षिकोत्सव में देशभक्ति से ओतप्रोत प्रस्तुति हुई और कार्यक्रम के बीच उत्सव सम्पन्न हुआ। इतनी देर तो देखा यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है स्कूल का, हम बोले हैं तो इसी कार्यक्रम के लिए आए थे। तो अब अगर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट की राय फैसला आने का इंतजार कीजिए। सुप्रीम कोर्ट हमारे सबके लिए सम्मानीय है और सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करता है उसे हम सब मानते ही। अब ये मीडिया में डिस्कस करने की चीज नहीं है। मैं खबर अलीगढ़ से है, जहां एएमयू के एसएस नाथ हॉल में हमलावरों ने देर रात अंधाधुन फायरिंग करते हुए एक छात्र को गोली मार दी है। वही गोली लगने से छात्र घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। तो वही कैंपस में हुई फायरिंग के बाद छात्र समेत एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि सूचना मिलते ही पुलिस और एएमयू इंतजामिया मौके पर पहुंच गए हैं। क्या आपके साथ आज घटना हुई है? मेरे साथ ये घटना हुई कि 7:45 बज रहे थे, 7:50 हो रहे होंगे, या तो मैं डाइनिंग के लिए जा रहा था और मैंने देखा कि ये लड़के कुछ आ रहे थे, मैं जिनके बारे में जानता हूँ, कोई जेल से छुट के आए होते हैं वो लड़के, और इल्लीगल रहते हैं वो लोग यहाँ पे एएमयू में, स्टूडेंट नहीं है। तो उनके साथ के लड़के थे जिनमें से 96 रूम नंबर में रहते हैं, यहया, मयंक और हमजा, ये तीन लड़के, इनके साथ के लड़के थे, ये फायरिंग करते हुए आ रहे थे। तो मैं डाइनिंग के लिए जा रहा था, मुझे ऐसा पता नहीं था कि मेरे ऊपर भी हो जाएगी, तो अचानक से मेरे आके एक व्यक्ति के घायल होने का मामला प्रकाश में आया है। घायल को जेएनएमसी हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है। घायल की हालत खतरे से बाहर है। प्रथम दृष्टया जांच से एक व्यक्ति द्वारा हर्ष फायरिंग का मामला प्रकाश में आया है, जिसके चलते घायल को गोली लगी है। थाना सिविल लाइन पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करा दिया गया है, जिसमें दो टीमों का गठन किया गया है। खबर औरैया से है, जहां पत्नी बच्चों के साथ रोड पार कर रहे युवक को तेज रफ्तार डीसीएम ने टक्कर मार दी है। आपको बता दें कि इस हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वही घटना की जानकारी मिलते ही उप जिलाधिकारी और पुलिस घटनास्थल पर पहुंचे और परिजनों को समझा बुझा कर शवों को कब्जे में लिया गया है। औरैया बिधुना कोतवाली के दिव्यापुर रामगढ़ रोड की ये पूरी घटना है। जागुपुर गांव के पास में वहीं के रहने वाले वीरेंद्र वाल्मीकि हैं। बताया जाता है कि अपने मिसेज और बच्चों के साथ आ रहे थे और उधर से कोई तेज रफ्तार से कोई गाड़ी आ रही है, चार पहिया, बताया जा रहा है वो भी पकड़ी गई है, डीसीएम है, और उसी से टक्कर हो गई, उनकी एक गांव में मौत हो गई है। बाकी मजिस्ट्रेट साहब से लेकर सब लोग आगे पहुँचे हैं और पोस्टमार्टम के चक्राम पोस्टमार्टम से बॉडी भेज जा चुकी है, उसके खिलाफ भी उन्होंने कार्रवाई की है। कानपुर से खबर है, जहां अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद है कि पुलिस भी अब उनके सामने नतमस्तक नजर आ रही है। ताजा मामला पनकी के गंगागंज इलाके से सामने आया, जहां एक नाबालिग अपनी मां के साथ खेत पर गई थी। मां ने अपनी बेटी से पीने के लिए पानी मंगवाया कि तभी घात लगाए दबंगों ने बेटी को दबोच लिया और उसके साथ बलात्कार किया। वही जब नाबालिग अपनी माँ को आपबीती बताती है तो एडीसीपी पश्चिम ने परिजनों की तहरीर पर मुकदमा भी दर्ज किया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना पनकी क्षेत्र में एक बालिका के परिजनों के द्वारा सूचना दी गई कि उनकी बहन के साथ में एक व्यक्ति ने दुष्कर्म किया है। इस सूचना के आधार पर इसकी गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन थाना पर अभियुक्त पंजीकृत किया जा रहा है। जो इसका अभियुक्त है उसको भी पुलिस की हिरासत में ले लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। परिजनों ने यह भी बताया है कि उक्त अभियुक्त के साथ में जो पीड़िता है इसकी तकरीबन 3-4 साल से बात हो रही थी। अभियोग पंजीकृत कर जो भी साक्ष्य संकलन की कार्रवाई करने के बाद आवश्यक जो भी इसमें कार्रवाई होगी वो की जाएगी। छोटी वाली बहन मेरी मम्मी है, छोटी भतीजी, गई होंगी खेत पे तो मम्मी अपना कंडा उंडा पाथने लगी तो मम्मी ने बोला कि जाओ बिट्टी पानी ले आओ, तो छोटी वाली बिट्टी ने पानी हमारी लेने गई तो दो लड़के आए,
गाड़ी में जबरदस्ती बैठा ले, बोले कि जाओ वहाँ पे पानी हम भरवा देते हैं फिर छोड़ देते हैं। ये जाके 12 फुट की पुलिया ले गए, उसके साथ जबरदस्ती किया, जबरदस्ती किया है। फिर लड़की को अपार्टमेंट के पास बगीचे के किनारे उसको वहाँ पे छोड़ दिया। छोड़ने के बाद लड़की सहमी रही, लेटी रही। फिर हमें 4-5 लोगों ने बताया गलत किया, गलत किया है, इसलिए हम आज हाँ दुष्कर्म किया। संदिग्ध परिस्थितियों में गांव के बाहर पेड़ पर फांसी के फंदे से लटकता एक युवक का शव मिला है। युवक का शव मिलने से गांव में हड़कंप मच गया, वही परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। और ये पूरी खबर रायबरेली से है, जहां सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। और ये पूरा मामला लालगंज कोतवाली क्षेत्र के रामपुर गाँव का है। सत्यम सिंह पुत्र संतोष कुमार सिंह, जिसकी उम्र लगभग 20 वर्ष है, गाँव के बाहर किनारे पर एक नीम का पेड़ है जो एक मकान से सटा हुआ है, उसी में पैर में बांधने वाला बैंडेज होता है, उसी से फांसी लगा करके आत्महत्या किया है। मृत्यु का सही कारण जानने के लिए फॉरेंसिक टीम से जांच करा करके पीएम की कार्रवाई करते हुए पंचायतनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेजी जा रही है। लाइन आर्डर की कोई समस्या नहीं। अब गाजियाबाद से खबर है, जहां थाना मधुबन क्षेत्र के सीसीटीवी ने उन सभी परिवारों को चिंता में डाल दिया है जिनके घर की लड़कियां नौकरियां पढ़ने के लिए देर रात घर पर लौटती हैं। मामला गाजियाबाद के थाना मधुबन बापूधाम क्षेत्र के गुलधर का है, जहां एक युवती 2 नवंबर की रात के 9 बजे ऑफिस से अपने घर जा रही थी। इस दौरान पहले एक युवक उसके साथ पहले सड़क पर पैदल चलता है, उसके बाद उस पर किसी नुकीली चीज से गर्दन पर वार करके फरार हो गया। फिलहाल पुलिस IPC की धारा 352, 504 और 506 में मुकदमा दर्ज कर चुकी है और आरोपी की तलाश जारी है। लखीमपुर खीरी के संपूर्णा नगर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की का शव घर में पड़ा मिला है। मां का आरोप है कि कस्बे के एक युवक ने कुछ दिन पहले 17 वर्षीय बेटे का अश्लील वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम और फेसबुक पर वायरल कर दिया था। वायरल वीडियो पूरे कस्बे में फैल चुका था और एक सप्ताह शिकायत करने लड़की के घर पहुंचे तो मारपीट कर उन्हें भगा दिया गया। इसके बाद गुरुवार को बेटी का शव कमरे में पड़ा मिला है। देर रात 11:32 पर आए भूकंप ने नेपाल राष्ट्र के जाजरकोट और रुकुम जिले में भयंकर तबाही मचाई है। भूकंप के तेज झटके की वजह से 300 से ज्यादा घर जमींदोज हो गए और इस भयावह घटना में अब तक 158 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि तमाम लोग अभी मलबे से निकाले जा रहे हैं और 800 से ज्यादा लोगों के घायल होने की भी बात कही जा रही है। नेपाली सेना मलबे में दबे लोगों को निकालने में लगातार जुटी है। प्याज ने रुलाया और सब्जियों के दामों ने किचन का बजट बिगाड़ा, जिसको लेकर डीएम हर्षिता माथुर ने प्याज की दामों को लेकर एक नया फॉर्मूला अपनाया। आपको बता दें कि प्याज सस्ते दरों पर उपलब्ध हो सके, इसके लिए डीएम ने लोडर को रवाना किया है, जिसमें 25 रुपए प्रति किलो की दर से आम लोगों को प्याज उपलब्ध हो सकेगा। मिली है जो है कि एक संस्था है, NCCL संस्था है, वो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर से जो है वो नामित है और हर शहरों में लगभग जो है जो सूचना मिली है 25 रुपए पर किलो के हिसाब से जो है प्याज बेच रही है और इस सूचना के आधार पे जो है हम लोग जो है उसको जो है सुविधा प्रोवाइड करा रहे हैं और मंडी सचिव को भी निर्देशित किया गया है कि प्याज की जो कीमतें हैं उस पर सतर्क दृष्टि रखें, कहीं जमाखोरी ना हो। रुक करते हैं अगली खबर का, जहां देवरिया में पूर्व विधायक प्रमोद सिंह की दूसरी पुण्यतिथि उनके गांव असनहर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा में मुख्य अतिथि के रूप में देवरिया सदर सांसद रमापति राम त्रिपाठी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने कहा कि बिना कर्म किए कुछ नहीं मिलता, दुनिया में जितने लोग सफल दिख रहे हैं वो सभी कठिन परिश्रमी हैं और पूर्व विधायक प्रमोद सिंह जी भी एक साधारण परिवार से निकलकर मुंबई में कठिन परिश्रम करके अपना ये मुकाम हासिल किए थे। जब क्षेत्र को जरूरत पड़ी तब उन्होंने आकर बतौर विधायक प्रतिनिधित्व भी किया। जीवन में इससे बड़ी कमाई कुछ नहीं हो सकती। कोई धन कमा सकता है, दौलत कमा सकता है, गाड़ी घोड़ा मकान कमा सकता है, लेकिन विधायक होने के करीब 6 महीने बाद
इसी गौरी विचार का एक प्रकरण आया था और मैंने किसी एक बहुत गरीब व्यक्ति की मदद की, जब उनकी मदद हुई तो विश्वास नहीं था कि उनकी मदद हो जाएगी, जब उनकी मदद हुई आंखों में आंसू लिए उन्होंने मुझे सिर पे हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और कहा कि प्रमोद सिंह जी के बाद किसी को देखा है तो आपको देखा, तुम्हें देखा, खूब मधु बाजार के पूर्व विधायक और हमारे अनंत सहयोगी स्वर्गीय प्रमोद सिंह के आज दूसरी पूर्व तिथि पर मैं उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और आज के अवसर पर जो उनका कृतित्व था, व्यक्तित्व था, जो उनका आत्मविश्वास था, जो पुरुषार्थ था, उसको स्मरण करते हुए यहाँ उनके से जुटे हुए जो लोग भी उपस्थित हैं उनसे आग्रह करता हूँ। संपूर्ण समाधान दिवस के मौके पर डीएम सूर्यपाल गंगवार तहसील सदर पहुंचे, जहां जन सुनवाई और समाधान को लेकर उन्होंने निर्देश दिए। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने कहा कि संपूर्ण समाधान दिवस में आए हुए मामलों का तत्काल निलंबन कराया जाए, गुणवत्तापूर्ण निस्तारणों के सत्यापन के लिए अधिकारी शिकायतकर्ताओं को कॉल करके फीडबैक भी लें। रायबरेली में डीएम हर्षिता माथुर ने संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया, जिसमें फरियादियों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। आपको बता दें कि डीएम हर्षिता माथुर आज संपूर्ण समाधान दिवस के मौके पर सलोन तहसील पहुंची थी। डीएम के तहसील पहुंचने से पहले ही बड़ी संख्या में फरियादी अपनी समस्याओं को लेकर लाइनों में खड़े थे और संपूर्ण समाधान दिवस के मौके पर 115 शिकायतें आई, जिसमें 5 शिकायतों का मौके पर निस्तारण कर दिया गया। शेष सभी शिकायतों के निस्तारण के लिए टीम गठित कर दी गई है। वहीं संपूर्ण समाधान दिवस के मौके पर सबसे ज्यादा शिकायतें राजस्व से संबंधित आई हैं, उनको डीएम ने प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द निस्तारण करने के कड़े आदेश दिए हैं। खबर प्रयागराज से है, जहां कोराव तहसील में किसानों की समस्या को लेकर किसान नेता पिंटू चौबे के नेतृत्व में दर्जनों किसान तहसील मुख्यालय पहुंचकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपते नजर आए। किसान नेता पिंटू चौबे ने कहा कि किसान मजदूरों के घरों में बिजली का मीटर लगा दिया गया है, लेकिन अभी तक बिजली नहीं पहुंची। नहर विभाग की लापरवाही से जिन किसानों का फसल सूख गया है, सर्वे कराकर उन किसानों को मुआवजा दिलाया जाए। तक पहुंचता नहीं, आधे से ज्यादा किसान जो है जो बचा है वो सूखने की कगार पर है। अब आते हैं यहाँ सीएम आएंगे, जो माइनर भी है उसका भी फटका बंद करवाएंगे, तभी पानी नहीं पहुंच रहा, इसलिए पानी वहाँ आधा ज्यादा मिर्जापुर चला जा रहा है। और अगर एक कल तक पानी नहीं पहुँचाते तो हम लोग परसों से बैठ जाएंगे, और बैठेंगे नहीं, बंधक बनाएंगे। पूरा तहसील यहाँ सब जगह ताला बंद ही होगा, पूरे तहसील में तालाबंदी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।